छत्तीसगढ़ में एक और कांग्रेस विधायक पर गंभीर आरोप लगे हैं। ये विधायक हैं विनोद चंद्राकर, ये संसदीय सचिव भी हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर महासमुंद में आबकारी विभाग के ऑफिस में हंगामा किया और विभाग के एक कर्मचारी की जबरदस्त पिटाई कर दी। इस हंगामे का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित कर्मचारी का आरोप है कि विधायक और उनके दो समर्थकों ने उसे बुरी तरह से पीटा। ये है विनोद कुमार चंद्राकर, नेता जो आकर मुझे ऑफिस में मारपीट करके गए हैं, उसके साथ नेता एक्साइज ऑफिस में ऑपरेटर के काम पद पे काम करता हूँ। हालांकि विधायक जी का अलग ही बयान है, नेताजी की माने तो पिटाई उन्होंने नहीं की है, बल्कि वो तो बीच बचाव करने गए थे और झगड़े से उनका कोई लेना देना नहीं है। एक तो मैं वहाँ पे जो घटना घट रही थी, पहले से वहाँ उन लोग का जो झगड़ा चल रहा था, मैं वहाँ पे जाके बीच बचाव का काम किया हूँ, चूँकि मैं वहाँ कलेक्टेड कल दिशा की बैठक थी, उस बैठक में जा रहा था मैं, उसी समय की घटना है। तो इन लोगों का दीपक ठाकुर और वो लीलाधर, जो इन दोनों का पहले भी डेढ़ दो महीना पहले झगड़ा हुआ था बता रहे हैं, और आपसी रंजिश है, और दोनों का झगड़ा छुड़ाने के लिए मैं गया था ना, मैं उसके साथ ना मैं उसको रे वे कहा ना कुछ नहीं, मेरे से कोई दूर दूर तक उनका कोई सरोकार नहीं है उन लोगों का। लेकिन उसने आरोप आपके ऊपर भी लगाया है कि उससे कुछ बात ही नहीं किया हूँ, इन दोनों का झगड़ा चल रहा था, मैंने सिर्फ बीच बचाव किया है। इस मामले की शिकायत पीड़ित ने पुलिस में की है, जिसके बाद पुलिस ने विधायक के दो समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कल प्रार्थी लीलाराम साहू के द्वारा शिकायत प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसके साथ मारपीट होने की बात कही गई, जिसकी प्राथमिक जांच पे ये पाया गया कि दो व्यक्ति जिसका प्रार्थी ने नाम लिया था, बबलू हरपाल और दीपक ठाकुर, उनके द्वारा आबकारी विभाग के उसके ऑफिस में घुसकर प्रार्थी के साथ मारपीट किया गया, जिससे प्रार्थी को गंभीर चोट आई है। पूरे मामले में कल रात को ही FIR दर्ज कर लिया गया है। FIR धारा 294, 325, 506, 353, 34 IPC के अंतर्गत दर्ज किया गया है। साथ ही दोनों मुख्य आरोपी बबलू हरपाल और दीपक ठाकुर को कल रात को ही गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। उस आवेदन जो उसने लिखा है उसमें विधायक का भी नाम उसमें शामिल किया है कि ये साथ में थे और उनके निर्देश पर मारपीट हुई। अभी तक की जो पुलिस के द्वारा प्राथमिक जांच हुई है, उसमें ये दोनों मुख्य आरोपी के नाम आए हैं, दोनों ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पीड़ित ने अपनी शिकायत में विधायक का नाम भी लिखा था, लेकिन इसके बावजूद उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस जांच जारी है, जांच के बाद अधिकारी मामले में आगे की कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। महासमुंद से अरविंद यादव की रिपोर्ट MP तक।